हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके बहुत ही डीपली जा करके उसको डिस्कस करेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए वो आपसे स्किप ना होने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पर, लक्ष्य तक आपके साथ जाकर सर्च करिए। अगर नहीं मिलता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है यहाँ इस चैनल के, और जाकर के आप लोग उसको वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पीडीएफ डायरेक्टली आपको वहीं मिल जाएगी ताकि आप उसको क्या करें, डाउनलोड कर सकें। और बाकी और भी हमारे अदर चैनल्स हैं उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसे भी हमारे इंस्टा से जोड़ना है वो भी जोड़ सकता है। सारी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये, आप जैसा कि देख रहे हैं इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेएनयू में क्यों हिंसक झड़प हुई, इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके इसके क्या है एडिटोरियल आपको आने वाले डेज में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाकी उसको हम लोग लिंक करके आगे पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की मोटिवेशन कोट्स क्या है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा कमज़ोर हूँ लेकिन किस्मत का मारा नहीं, बस अभी लड़खड़ा के क्या किया हूँ, गिरा हूँ अभी मैं हारा नहीं हूँ। कमज़ोर थोड़ी सी कम थोड़ा सा कह रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि किस्मत का मारा हूँ। किस्मत को क्यों दोष दूँ, जब मुझे मेहनत नहीं करनी है तो मैं किस्मत को अपने लक को क्यों दोष दूँ। तो इसीलिए कह रहा है कि मैं अभी क्या हुआ हूँ, थोड़ा सा गिरा हूँ लड़खड़ा के, लेकिन अभी हारा नहीं हूँ, अभी मुझ में हिम्मत है, हौसला है, उठूँगा और मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा और जीत करके भी दिखाऊँगा, क्योंकि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में अभी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में 11 अप्रैल 2022 को किसे चुना गया है। तो शहबाज शरीफ को चुना गया है। देख लीजिए ये हैं वहाँ के शहबाज शरीफ जिसे चुना गया है, ये वहाँ के 23वें नंबर के पीएम के रूप में निर्विरोध इन्हें चुना गया है, और ये इमरान खान का स्थान लेंगे जिसे अभी हाल ही में जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया है कि वहाँ के नेशनल असेंबली में उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया है। और ये जो शहबाज शरीफ हैं ये पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे नवाज शरीफ, उन्हीं के ये क्या है भाई हैं। इनको 174 वोट मिले हैं और इन्हें क्या किया गया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। अगर बात करें पाकिस्तान की राजधानी की तो वो इस्लामाबाद है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी। और बात करें पाकिस्तान मुद्रा का तो पाकिस्तानी रुपया है। इतना ही इनफ है आपके लिए वहाँ के बारे में जानने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अप्रैल 2022 में किसे UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC RO में ये क्वेश्चन फंस सकता है और भी वनडे एग्जाम के में जो भी है वो आपके फंस सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि UPSC का अभी हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है मनोज सोनी। तो इसके बारे में कुछ हम लोग क्वेश्चन और भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले या उससे रिलेटेड UPSC से रिलेटेड और भी फैक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा UPSC के जो अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है मनोज सोनी, और ये अभी क्या नाम है इनका, ये किसकी जगह लेंगे। तो इसके पहले कौन थे, प्रदीप कुमार जोशी थे, तो इन्हीं का ये क्या करेंगे, स्थान लेने वाले हैं। जैसा कि मैं आप इमेज देख रहे होंगे ये हैं मनोज सोनी, तो इन्हें ही अभी नियुक्त किया गया है। अगर बात करें जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो आर्टिकल 312 है, हमारे भारतीय संविधान जो है उसका आर्टिकल जो 312 कहता है वो क्या कहता है, 312 कहता है कि जो संसद है वो क्या करेगी, संघ और राज्य दोनों के लिए। 312 आर्टिकल हमारा कहता है कि जो संसद होगी वो संघ और राज्य के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का क्या है, इसको अधिकार प्राप्त है। संसद को क्या है संसद को संघ और राज्य के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है, और इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में जो भर्ती होगी वो कौन किसके द्वारा की जाती है, UPSC के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं में जो भर्ती की जाती है वो UPSC के द्वारा की जाती है। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो सबको पता होगा।
अगर बात करें राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए क्या की जाती है, किसके द्वारा भर्ती की जाती है, अगर राज्य स्तर पर पूछे, अखिल भारतीय स्तर पर पूछे तो यूपीएससी के द्वारा, राज्य स्तर पर पूछे तो एसपीएससी के द्वारा, स्टेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आई थिंक इतना तो आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा। और भी बात करते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो भाग नंबर कौन सा है, भाग कौन सा 14, भाग जो 14 है उसमें क्या बताता है, आर्टिकल 315 से 323, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि भाग 14 में कौन से, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो भाग 14 में 315 से 323 के तहत जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी संरचना, उनके सदस्य की नियुक्ति, उनका निष्कासन, और जो संघ लोक सेवा आयोग है उनकी जो पावर्स हैं यानी शक्ति है, उनके जो कार्य हैं उससे संबंधित इतने में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। और बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी जब, ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो केंद्र है, केंद्र में यूपीएससी के समानांतर ही क्या किया गया है, राज्य में लोक सेवा आयोग भी क्या है, कार्यरत है। तो जो संविधान का भाग 14 है उसमें 315 से आर्टिकल 323 के तहत ही जो है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी भी संरचना, सदस्य की नियुक्ति, निष्कासन, और जो भी है, जैसा कि मैंने अभी अखिल भारतीय स्तर का बताया, लाइक दैट, इसमें भी आपके वही सारे प्रावधान किए गए हैं। तो उम्मीद है इतने फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मेन मेन देख लेते हैं, जैसा मैंने 315 कहा है, तो 315 जो है ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो संघ होगा और भारत के जो राज्य होंगे उनके लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। क्या कहा, आर्टिकल 315 सीधे सीधे कहता है कि संघ और भारत के राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का क्या करेंगे, गठन करेंगे। और आर्टिकल 316 क्या कहता है कि यूपीएससी के साथ ही साथ क्या करेंगे, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके सदस्य की नियुक्ति करेंगे और उनका कार्यकाल डिसाइड करेंगे, ये 316 कहता है। आर्टिकल 317 की बात करें तो इसमें चाहे यूपीएससी हो या एसपीएससी हो, दोनों के सदस्य को हटाने की बात की गई है, उनके निलंबन की बात की गई है। 318 की बात करें, इसमें क्या कहा गया है, तो आयोग के सदस्य और जो कर्मचारी होंगे, इम्प्लॉयज़ होंगे, उनके जो सेवा होगी उसके शर्त के लिए नियम बनाने की शक्ति 318 में दी गई है। 319 की बात करें, 319 में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है कि जो आयोग के सदस्य हैं उनके द्वारा, अगर सदस्य नहीं होने पर, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य ना रहने पर भी पद धारण करने का क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल अगर 320 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं उनके, तो ये इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन किसमें कहा गया है, 320। तो 315 याद रखना है, 16 याद रखना है, 17 याद रखना है, बाकी 320 आप याद रख सकते हैं। और 322 में क्या है, तो 322 में व्यय, 22 से व्यय, किसके व्यय, लोक सेवा आयोगों के जो हैं व्यय हैं वो 322 में बात किए गए हैं। और 323 में जो लास्ट आपका मैंने बताया, 323 में क्या है, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में 323 में कहा गया है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें यूपीएससी, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है, चाहे अध्यक्ष हों या अन्य सदस्य हों, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और इनका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा या फिर 65, जो भी पहले होगा, 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर ये रहेंगे। और अगर बात करें क्या इनकी पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान है, तो कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, उस पर सीट ले चुका है, पद धारण कर चुका है, तो वो अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, क्लियर। और अगर इसको अगर त्यागपत्र देना है, इस्तीफा देना है, तो वो किसको देगा त्यागपत्र अपना, तो भारत के राष्ट्रपति को देगा, क्लियर। और क्या हो सकता है इसमें कि ये इसको हटाया भी जा सकता है, इसको राष्ट्रपति के आदेश से हटाया भी जा सकता है, चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जाएगा। अगर बात करें एसपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसके सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे, संबंधित राज्य के कौन करेंगे, जो उस राज्य से संबंधित होंगे, राज्य के राज्यपाल करेंगे। और इनके अगर कार्यकाल की बात करें, तो यहाँ 6-65 था, यहाँ 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 या 62 जो भी पहले हो वो पद पर रहेंगे, बाकी जो भी प्रावधान है वो किसकी तरह होंगे, यूपीएससी की तरह होते हैं। आई थिंक अब क्लियर ये पूरे हो गए होंगे। तो इससे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन फंसेगा आपका, बिल्कुल स्किप नहीं होगा, ये गारंटी दे रहे हैं आपको। चलिए देख लेते हैं
क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, हाल ही में किस प्रदेश के कांगड़ा चाय को, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलने की घोषणा की गई है, तो हिमाचल प्रदेश। ये कांगड़ा चाय कहाँ से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ अभी क्या किया गया, घोषणा की गई है कि यूरोपीय आयोग क्या करेगा, GI टैग इसको देगा, और ये टैग जो, अगर इसको ये टैग मिल जाता है तो ये क्या करेगा, कांगड़ा चाय जो है उसको यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का क्या हो जाएगा, अवसर मिल जाएगा। और अभी बात करें तो कांगड़ा चाय की, इस चाय की बात करें तो 2005 में 2005 में इसको भारतीय GI टैग मिला था, और इसमें 1999 से ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एरिया में इस चाय की खेती में क्या हुआ, लगातार इसमें खेती की जाने लगी और इसके विकास में लगातार सुधार हुआ है। तो 2005 में इसको क्या किया गया था, भारतीय GI टैग मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कांगड़ा चाय के विकास और खेती को बढ़ावा जो दिया जा रहा है, इसमें चार विभाग जो हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है, तो वो चार विभाग खाली आप सुन लीजिए, बाय चांस कहीं पूछ ले या फिर आ जाए सामने तो स्किप ना होने पाए, तो एक बार खाली ध्यान से सुन लीजिए कि इसके जो विकास किया जा रहा है, जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको चार विभाग मिल करके देख रहे हैं। तो वो चार विभाग कौन से हैं, एक है, एक मिनट, एक है आपका आई टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय पालमपुर। फर्स्ट क्या है, आई टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय इसका कहाँ है, पालमपुर में है। सेकंड की बात करें तो राज्य का जो सहकारी और कृषि विभाग है, और कौन, CSIR है वो देख रहा है, और कौन देख रहा है, IHBT पालमपुर एंड चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के द्वारा ये देखा जा रहा है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी की तो वो है शिमला, ये शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और धर्मशाला जो है वहाँ दो राजधानियाँ हैं, ग्रीष्मकालीन शिमला और धर्मशाला शीतकालीन है। और हिमाचल प्रदेश के अगर राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है राजेंद्र अलिंकर। अगर यहाँ के CM की बात करें तो वो कौन है, जयराम ठाकुर। अगर बात करें कि कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे GI टैग मिला था, तो वो क्या था, दार्जिलिंग चाय था, दार्जिलिंग चाय असम की, सॉरी, ये जो दार्जिलिंग चाय था ये पहला भारतीय उत्पाद था जिसे कब, 2004 में GI टैग मिला था, और इसे पश्चिम बंगाल के नाम से ये क्या है, रजिस्टर्ड है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें GI टैग जो दिया जाता है वो किस एक्ट के तहत दिया जाता है, तो GI टैग भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत, ये ध्यान रखिएगा कि GI टैग जो है वो भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। और ये भारत में भौगोलिक संकेत के संरक्षण के लिए बात करें तो भारत की संसद का क्या है, एक एक्ट है, जो कब लागू हुआ था, 2003 में लागू हुआ था। और ये जो टैग दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा, तो चर्चा में बना हुआ है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान रखिएगा कि ये जो टैग है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। ये किसके अंदर आता है, किसके तहत काम करता है, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये काम करता है। और भी कुछ हम लोग देख लेते हैं कि कौन से GI टैग कहाँ के फेमस हैं, जैसे काला चावल मणिपुर में काला चावल को चकहाओ कहते हैं। अगर केसर की बात करें तो केसर जम्मू कश्मीर, लाल चेरी मिर्च सिक्किम का, काजी नेमू असम का, काले चावल मणिपुर ऑलरेडी टोल्ड, एंड डिंडीगुल ताला तमिलनाडु का है, गुलबर्गा तूर ये कृषि से संबंधित है कर्नाटक का है, खोला मिर्च कहाँ का है गोवा का है, पांडुम ये हैंडीक्राफ्ट है मिजोरम से संबंधित है, कोडाई कनाल तमिलनाडु से संबंधित है, टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कंधमाल हल्दी ओडिशा, कनांगी साड़ी तमिलनाडु, और हमाराम ये भी क्या है हैंडीक्राफ्ट है मिजोरम से संबंधित है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुलबर्गा ये बता ही दिया कर्नाटक है आपका, तो ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है। रसगुल्ला जो है ओडिशा का है, तो बस इतना ही, और बाकी देखते रहिएगा, रिवीजन कराते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं, और भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो गाइज इंपॉर्टेंट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप क्या करिए, आप सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, और जो नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जा रहा, आपको बेनिफिट ही होगा, जो मैं अपलोड करूँगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
तो चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तो चलिए ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो होम्योपैथी और जो चिकित्सा की दुनिया है उसमें योगदान दिया जाए, उसके बारे में क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए हर साल 10 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। ये 10 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? एक्चुअली हुआ क्या था कि 10, इसमें क्या नाम है इसका, 10 अप्रैल इसी दिन 1775 में, इसी दिन क्या हुआ था 1775 में, जो उनका नाम मैं लिख दे रही हूँ, थोड़ा सा नाम टफ है, एक मिनट, सैम्यूल, सैम्यूल हाने हानेमान, सैम्यूल हानेमान चिकित्सक जो थे, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैम्यूल हानेमान, इनका पूरा नाम है फ्राइडरिक सैम्यूल हानेमान, तो शॉर्ट में आप सैम्यूल हानेमान समझ सकते हैं। तो ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। तो इन्हीं की जयंती को याद करने के लिए इसी दिन 10 अप्रैल को मनाया जाता है, इनकी जयंती 1775, ये क्लियर हो गया होगा। और ये क्या थे, इसी मतलब ये जनक थे इस चिकित्सा पद्धति के, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के क्या है, संस्थापक माने जाते हैं, एक मिनट, संस्थापक माने जाते हैं। और 2021 में इनका मनाया गया था, 2021 में इनका 266वां मनाया गया था, इस बार जो है 267वां है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका थीम जो है, थीम देख लेते हैं क्या है, होम्योपैथी, होम्योपैथी एकीकृत, होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए, होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप, रोड मैप इंग्लिश में कहें तो होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये इसकी क्या है, थीम है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इससे संबंधित, कि भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में की गई है, क्लियर। और अभी एक वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, ब्रेक, वाई ब्रेक मतलब कि क्या करना है, आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, किसके द्वारा किया गया था लॉन्च, आयुष मंत्रालय के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो क्या है, स्वास्थ्य की पहली पसंद क्या है, होम्योपैथी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 अप्रैल 2022 को DRDO और भारतीय सेना के ने उन्नत पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम EPRS का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया है, तो ये किया है पोखरण, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। किसके द्वारा किया गया है, DRDO के। तो ये ध्यान रखना है कि जो भारत, ये किसके किसके द्वारा मिल करके किया गया, पहले तो ये ध्यान रखना है कि DRDO और भारतीय सेना ने क्या किया है, मिल करके संयुक्त रूप से पोखरण फायरिंग रेंज, पोखरण में पिनाका रॉकेट सिस्टम का एक नया संस्करण का क्या किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसमें जो पिनाका है वो एम के आई एनहॉन्स्ड रॉकेट सिस्टम EPRS और पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन रॉकेट सिस्टम इसमें शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं इसमें, जो परीक्षण किया गया है, तो इसमें पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम जिसको EPRS कहते हैं, और क्या शामिल है इसमें, पिनाका, मैं लिख दे रही हूँ ताकि क्लियर रहे, पिनाका एरिया डेनियल, पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन, मुनिशन रॉकेट सिस्टम इसमें शामिल है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस रॉकेट सिस्टम को DRDO लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे के द्वारा अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे के सहयोग से क्या किया गया है, विकसित किया गया है। अगर बात करें DRDO की, तो DRDO की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1948 में हुई थी, 1 जनवरी 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। इसके हेड कौन है, सतीश रेड्डी है, जी सतीश रेड्डी। तो उम्मीद है, एक मिनट गाइस, इसकी जो स्थापना हुई थी 1958, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है अब सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये DRDO और किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा मिलकर के कहाँ पर किया गया, पोखरण में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी था, ये पूछा हुआ है कि पिनाका है क्या। तो पिनाका क्या है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, रॉकेट, एक मिनट, रॉकेट लॉन्चर
सिस्टम है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसका सबसे पहले यूज़ कहाँ हुआ था, कारगिल युद्ध में 1999 में हुआ था। ये रॉकेट, ये जो पिनाका है, ये एक साथ 12 रॉकेट को 44 सेकंड में लॉन्च करने की इसकी क्या है, क्षमता है। अभी कल मैंने एक बताया था SFDR, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। इसका कहाँ अभी परीक्षण किया गया, तो ओडिशा के चांदीपुर में ओडिशा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक मिनट। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को कितने कलाकारों को 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन ये गलत हो सकता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि करके क्या कह रहा है कि 2018 के लिए जो दिया गया है वो किसके लिए, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अभी क्या है, जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने देश के लिए, देश के जो 43 हैं 43 कलाकारों को, यानी कि 43 में से जो है चार फेलो और 40 जो है 40 पुरस्कार 40 जो है पुरस्कार विजेताओं को 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक, अभी मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार कितने को दिया गया, चार, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितने को दिया गया है, 43 को दिया गया है। तो चार फेलोशिप दिया गया है और जो है 40 जो है संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, फेलोशिप की बात करें तो चार लोगों को, बाकी लोगों को क्या दिया गया है, संगीत नाटक पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, एक मिनट। 2021, वो तो 2018 के लिए बात किया मैंने, 2021 में 23 लोगों को दिया गया है, 2018 के लिए उतने लोगों को मैंने बताया, और 2021 में 23 लोगों को दिया गया है। इसमें 3 फेलो दिए गए हैं और 20 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, और ललित कला अकादमी की फेलोशिप और राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए। अब चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं ताकि क्लियर रहे। संगीत नाटक अकादमी, एक मिनट, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, जो कि मैंने क्वेश्चन में यही लिखा है, तो इसमें क्या होता है, तो ये जो फेलोशिप होती है ये जाति धर्म लिंग के भेद के बिना संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ये किसके द्वारा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इस अकादमी की जो फेलोशिप है वो क्या है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है, जो एक बार में अधिकतम देखा जाए तो 40 लोग को ही ये पुरस्कार दे सकती है। और इसमें क्या होता है, इस फेलोशिप में 3 लाख दिए जाते हैं, इस फेलोशिप में कितनी राशि दी जाती है, 3 लाख दी जाती है। और अगर बात करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अगर ये फेलो नहीं होता, ओनली पुरस्कार होता है यहाँ पर, तो इसमें क्या दिया जाता है, इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपका अगर फेलो दिया हो तो 3 लाख, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1 लाख दिए जाती है। और इसमें क्या है, ये आपको क्लियर हो गया, इसमें 4 लोगों को दिया गया है और ये जो है कितने लोगों को, 40 लोगों को दिया गया है। क्लियर, कितने, 2018 के लिए। अगर बात करें आगे कि 2021 के लिए, 2021 के लिए जो है वो दी गई है ललित कला अकादमी पुरस्कार, ललित कला अकादमी के द्वारा, ललित कला अकादमी के द्वारा, वही सेम चीज़ हो जाएगा यहाँ पर भी कि फेलोशिप, ललित कला फेलोशिप, और यहाँ हो जाएगा ललित कला अकादमी पुरस्कार, यहाँ पुरस्कार हो जाएगा लाइक दैट, जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ इसे 3 लोगों को दिया गया है और ये 20 लोगों को प्रदान किया गया है। क्लियर, अब ये ललित कला अकादमी है क्या, तो ये जो है इसमें जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार क्या है, जो कला के क्षेत्र में जो क्या करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से। और इसमें जो चयन किया जाता है वो अकादमी के द्वारा जो नामित जज होंगे उन्हीं के एक सम्मानित पैनल के द्वारा किया जाता है। और संगीत नाटक अकादमी में संगीत नृत्य नाटक के लिए क्या है, भारत की एक राष्ट्रीय अकादमी है। अगर बात करें इसकी
1952 में क्या हुआ था, शिक्षा मंत्रालय, जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डॉक्टर पीबी राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, किसके, संगीत नाटक अकादमी 1952 में। और अगर बात करें इसकी ललित कला की, तो ललित कला का 1954 1954 में जो इसके पहले जो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद जी उन्हीं के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। आई थिंक सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है 1959 में। और कथक केंद्र ये भी नई दिल्ली में है 1964 में है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। कुटियट्टम कहाँ का है, केरल का सांस्कृतिक थिएटर है। और पूर्वी भारत के छऊ नृत्य, असम के सत्रिया, ये सब क्या है आपको ध्यान रखना है, सब पूछा जाता है। तो चलिए उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस याद रखिएगा ये कि 2018 के लिए 4 फेलोशिप दी गई है और जो 40 पुरस्कार दी गई है। 2021 के लिए ललित में देखा जाए तो फेलोशिप जो है वो 3 को दी गई है और पुरस्कार 20 को दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस संस्था या आयोग ने 9 अप्रैल 2022 को इंडिया एलुमनाई पोर्टल की शुरुआत की है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल से ही चर्चा में बना हुआ है, तो देख लेते हैं क्या है। तो इसकी स्थापना, इस पोर्टल की शुरुआत किसने की, किसने लॉन्च किया, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 72वें स्थापना, इसका कौन सा स्थापना दिवस है, 72वां स्थापना दिवस है, तो उसी के अवसर पर इसमें क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई। तो ये है क्या, एलुमनाई पोर्टल, तो इसमें क्या किया गया है, जो भारत में पढ़ रहे हैं, भारत में पढ़ रहे जो विदेशी छात्र हैं, जो भारत में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसको क्या करना है, इस पोर्टल पर जो पढ़ रहे हैं विदेशी छात्र या फिर पढ़ चुके हैं, उनको एक मंच पर लाना है। इससे क्या होगा, तो ये पोर्टल क्या करेगा, और पहले तो ये देख लेते हैं कि जो इसको लॉन्च किया गया किसने किया, तो परिषद के द्वारा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा, मीनाक्षी, जो कौन है, संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय राज्य मंत्री, संस्कृति केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है, मीनाक्षी लेखी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य वही है कि भारत में जो पढ़ चुके हैं विदेशी छात्र या पढ़ रहे हैं, उनको एक साथ क्या करना है, जोड़े रखना है, ताकि क्या किया जा सके, संवाद स्थापित किया जा सके। इससे क्या होगा, ताकि यह पोर्टल क्या करेगा, आपातकालीन स्थिति में क्या करेगा, मदद करेगा। ये पोर्टल क्या करेगा, आपातकालीन स्थिति में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये क्यों किया गया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत जो विदेशी छात्र हैं उनके साथ क्या करना, संबंध स्थापित करना है, इसीलिए ये पोर्टल, उनको एक मंच पर लाना है, इसीलिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ये जो सांस्कृतिक संबंध परिषद है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 में की गई थी, 9 अप्रैल 1950 में की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्र हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये सारे आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी बताया था मैंने कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक क्या लॉन्च किया गया है, टेम्पल 360, ताकि क्या हो, ऑनलाइन दर्शन किया जा सके। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये देखिए इंडिया एलुमनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एच डी वन नामक एक नई आकाश गंगा की खोज की है। अभी छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा की गई, जापान के द्वारा की गई है। HD1 नामक एक नई आकाश गंगा की खोज की गई है, और ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है, तो जापान। तो चलिए इसमें एक एक फैक्ट्स को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो है, जो HD1 नामक आकाश गंगा की खोज की गई है, इसे अब तक का सबसे दूर स्थित जो है खगोलीय निकाय माना जा रहा है। अब तक का पहला पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट, अब तक का सबसे दूर स्थित खगोलीय निकाय माना जा रहा है, यानी कि मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सी। क्लियर हो गया होगा। सेकेंड जो फैक्ट है, इसका जो चमक है, इसकी जो रोशनी है, वो किसके कारण है, क्यों चमक रही है ये, तो पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य के कारण। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा खोज की गई है, तीसरा फैक्ट, जापान के द्वारा खोज की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और ये जो है HD1 जो है ये अभी जो शोधकर्ता है उनका यही मानना है कि ये अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जो इसका प्रकाश है वो अभी भी क्या कर रहा है, हमारी दिशा में वो यात्रा कर रहा है, जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। अगर बात करें जापान की, तो जापान में द्वीप हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, होन्शु द्वीप, होकैडो द्वीप, होन्शु, होकैडो, शिकोकू, शिकोकू एंड लास्ट है क्यूशू, कोई शुदो। तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु है, जो जापान की राजधानी है टोक्यो वो इसी द्वीप पर स्थित है। और जो जापान का एक वो है फ्यूजियामा ज्वालामुखी, फ्यूजियामा जो कि क्या है, सुषुप्त है, सुषुप्त है, ये भी यहीं पर है, जापान के होन्शु द्वीप पर ही है, तो ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपका। तो होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है, और जो आपका होकैडो है ये क्या है, होकैडो ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और जो क्यूशू है, क्यूशू ये आपका तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और शिकोकू जो है चौथा सबसे छोटा द्वीप है। तो होन्शु फर्स्ट नंबर पर, होकैडो सेकेंड नंबर पर, क्यूशू थर्ड नंबर पर, शिकोकू फोर्थ नंबर पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान की संसद की बात करें तो उसको डाइट बोलते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है फुमियो किशिदो हो रहे हैं, और यहाँ का जो सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर फुगाकू है। धर्म गार्जियन अभी हुआ है हाल ही में, किसके किसके बीच, भारत और जापान के बीच। और यहाँ के एक जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्या नाम है उनका, सिंजो अबे, उनको नेताजी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया था। तो ये सारे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हाँ, जापान को सुकुमारों का देश या निप्पन भी कहते हैं। तो सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, पहला चरण इसका था राउंड एक में, बड़े राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात टॉप पर है, तो पहले ये ध्यान रखने कि जारी कौन करता है, फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा ये जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह जो है पहली बार जारी किया गया, इस बार जो है ये पहली बार ये जारी किया गया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसकी जो कैटेगरी है वो तीन कैटेगरी में, इसको तीन कैटेगरी में, एक मिनट इसको फिर से बनाते हैं चार्ट को, तीन कैटेगरी में इसको किया गया है, एक बड़े राज्य की कैटेगरी, एक छोटे राज्य की कैटेगरी, और एक यूटीज में कौन आगे है। तो बड़े राज्य में आपका टॉप पर है गुजरात, बड़े राज्य में टॉपर कौन है, गुजरात है। और बात करें कि गुजरात के बाद और कौन है, तो केरल है सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपका क्या है, पंजाब है। फर्स्ट पे गुजरात, सेकेंड पे केरल, थर्ड पे पंजाब, तीन तो कम से कम याद होना चाहिए। और छोटे में कौन है, गोवा है, सेकेंड पे त्रिपुरा है, थर्ड पे मणि है, मणिपुर, मतलब गोवा त्रिपुरा मणिपुर है। GTM छोटे में GTM है, यानी कि गोवा त्रिपुरा मणिपुर। और अगर यूटीज की बात करें तो यूटीज में कौन है, तो टॉप पर ये है चंडीगढ़ है, टॉप पर कौन है, चंडीगढ़ है। और सेकंड पे दिल्ली है, उसके बाद क्या है, दमन दीव है, उसके बाद ये सारे हैं। तो आपको क्या रखना है, बस दो याद रखिए इसमें। और बात कर लेते हैं, ये तीन कैटेगरी तो आपने देख लिया, अब सबसे नीचे नीचे कौन है, इसमें नीचे कौन है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, कि जो MP है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, MP, छत्तीस और जो आपका झारखंड है, ये तीनों जो हैं ये सबसे नीचे इनको रखा गया है, सबसे नीचे रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो मैं बताने जा रही हूँ, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो मापदंड है, इसका मापदंड छः छः आधार रखा गया है, इसके माप जो मतलब छः आधारों पर, छः मापदंडों पर इसकी रैंकिंग की जाती है। वो छः मापदंड कौन है, एक एक करके हम लोग चलिए देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, हो सकता है। एक मिनट, चलिए एक मिनट। फर्स्ट जो मानक है इसके, वो आपका है बिजली वितरण कंपनियां, यानी कि कहा जाए शॉर्ट में डिस्कॉम जिसको कहते हैं। सेकंड है ऊर्जा की पहुंच, थर्ड है आपका स्वच्छ ऊर्जा पहल, फोर्थ है ऊर्जा दक्षता, और फिफ्थ नंबर पर है टिकाऊ पर्यावरण, एंड सिक्स्थ नंबर पर है नई पहल। तो इन मानकों में कुल 27 इन जो छह मानक हैं इसमें 27 इंडिकेटर शामिल हैं, और इन्हीं के आधार पर जो राज्य हैं और यूटीज हैं उनके प्रदर्शन के आधार पर क्या किया जाता है, रैंकिंग जारी की जाती है। तो उम्मीद है ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे।
तो चलिए और भी हम लोग अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्योंकि बहुत डीप जा रहे हैं और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 को किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज गुजरात से संबंधित हमने दो क्वेश्चन देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। गुजरात में किया गया है तो गुजरात, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में जो किया गया तो गुजरात सरकार के जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा और BSF के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस परियोजना को, कौन से परियोजना को, भारतीय पाकिस्तान सीमा दर्शन, इसको कहा गया भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन परियोजना भी इसको कहा गया, यानी सीमा पर्यटन परियोजना भी कह सकते हैं, सीमा दर्शन परियोजना। तो कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान सीमा दर्शन परियोजना शुरू की गई, जहाँ क्या करेंगे जो पर्यटक होंगे वो BSF कर्मियों की कहानी से क्या कर सकते हैं, परिचित हो सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे खेल और गतिविधियाँ भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो यहाँ पर उद्घाटन किया गया, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो गुजरात तो है ही, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, गुजरात का बनासकांठा, ये ध्यान रखिएगा, ये बनासकांठा कहाँ पर है, गुजरात में, तो गुजरात के बनास, ये ऊपर पॉइंट है, बनासकांठा जिले में भारतीय पाकिस्तान सीमा पर क्या है, नडा बेट है, भारतीय पाकिस्तान सीमा पर क्या है, एक नडा बेट है, तो यहीं पर क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये जो नडा बेट है ये है क्या, तो नडा बेट एक विशाल झील है, वहां पर जमी हुई क्या है, एक भूमि का टुकड़ा है, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, जहां पर्यटक के लिए जो है बॉर्डर सीमा देखने का आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए, देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कितना है। और अभी हाँ, कल मैंने बताया था कि हाँ, गुजरात से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि स्टील कचरे से बनने वाली देश की पहली सड़क कहाँ बन रही है, तो गुजरात में ही बन रही है, वो भी कहाँ पर, सूरत में बन रही है। और गुजरात के पोरबंदर में भी हमने कल ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, कौन सा मेला है, माधोपुर खेड़ मेला, ये कहाँ पर, गुजरात के पोरबंदर में आयोजित किया गया है, ठीक है। और ये जो अहमदाबाद है ये भारत का पहला शहर है जो यूनेस्को में शामिल हुआ था 2017 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट है आज का, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जा रहा है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें क्या है, ये कहाँ पर, ये अभी मीटिंग हुई है दुबई में, तो वहीं पर ये निर्णय लिया गया है। और T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली बार जो होगा, 2024 में, मैंने क्या कहा, सॉरी यहाँ पे 2024 होगा, ये 2022 हो गया गलती से, 2024 होगा, तो 2024 में पहली बार जो होगा वो 20 टीमें, कितनी, 20 टीमें भाग लेंगी, और अमेरिका की टीम जो है पहली बार इस टीम T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी, अमेरिका में आयोजन हो रहा है इसीलिए क्या है, इसमें ये शामिल हो गई हैं। तो यही जन है कि ये T20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ, दुबई में है, इसके हेड कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। तो उम्मीद है आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करें कि Under-19 वर्ल्ड कप विजेता कौन है, भारत है। फर्स्ट महिला Under-19 विश्व कप का आयोजन कब होगा, 2023 में होगा, कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो हमारा थीम था वो देख लेते हैं, कि जो मैंने बताया था आपको कि JNU में क्या हुआ है, JNU में रामनवमी पर, एक मिनट मेरे पास है, मैं दिखा दे दूँ आपको, एक मिनट। चलिए लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं इसको देख लेते हैं, ताकि नीचे बार बार ऊपर नीचे ना होना पड़े, डिस्कस कर लेते हैं, कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। किस बंगाली लेखक ने हाल ही में 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है, अमर मित्रा के द्वारा जीता गया है। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, 9 अप्रैल को मनाया जाता है। द मेवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया IT रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, हरीश मेहता जी हैं। किस झील के कायाकल्प के लिए निवासी और अधिकारियों के बीच अभी एक अनोखी साझेदारी अथवास की शुरुआत की गई, कहाँ की गई, डलही झील यानी कि जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, गुजरात के पोरबंदर में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने कहाँ से सॉलिड, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, चांदीपुर के ओडिशा से परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट बूस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है, टाटा नियो ने लॉन्च किया है।
जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, 93.6 गीगावाट की 2021 में। सबसे ज़्यादा प्रथम सर्वश्रेष्ठ वर्ष कौन सा था, 2020 था, और 2021 सेकेंड नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 अप्रैल 2022 को पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा। इमरान खान अविश्वास, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो चलते हैं आगे की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने अभी 2022 के लिए जीता है, कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि कहाँ के, कनाडा के, तो ध्यान रखिएगा। ये मैंने कल डिस्कस किया था क्वेश्चन, ये मैंने आपको दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, माधोपुर खेड मेला सब मैंने दे दिया है। और पाकिस्तान के 23वें मंत्री बने हैं शहबाज, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग नीति आयोग के द्वारा, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर सब दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखिए JNU क्लैश, इसी के बारे में डिस्कस करना था कि जो JNU क्लैश क्रॉस FIRs अगेंस्ट ABVP लेफ्ट स्टूडेंट्स, क्या होता है कि JNU में रामनवमी पर क्या होता है, पूजा को लेकर के विवाद हो जाता है, और ये विवाद किसके किसके बीच हुआ, ये विवाद किसके किसके बीच हुआ है, ABVP और लेफ्ट इसके छात्रों के बीच होता है। JNU के जो कावेरी हॉस्टल में जो छात्र हैं उनके द्वारा रामनवमी की पूजा की जा रही थी, और वहीं जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े छात्र संगठन थे वो पूजा नहीं होने देना चाह रहे थे। तो इसी से क्या हो जाती है कि वो जब वो पूजा रोक नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं, नॉनवेज खाने से रोकने का मुद्दा उठा लेते हैं, एक मुद्दा और बीच में ले आते हैं। तो ये जो कावेरी हॉस्टल है वहाँ का जो मेन्यू है उसमें नॉनवेज और वेज दोनों शामिल हैं। तो यहीं पर क्या होता है कि जो ये वाले हैं ABVP वाले हैं, यहाँ के कार्यकर्ता रविवार को नॉनवेज खाने से और बनाने से रोक रहे थे। इसी से क्या होता है, यहाँ पर धक्का मुक्की होने लगती है, दोनों पक्षों में हिंसा होने लगती है, और यहाँ से दोनों तरफ क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं, जैसा कि आपने देख लिया होगा, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि ये जो आपके FIRs क्रॉस FIR दोनों एक साइड एक दूसरे के ऊपर क्या है, FIR दर्ज की गई है। तो यही पूरी है, इसके आगे हम लोगों का जो एडिटोरियल आएगा तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सारा सेशन समझ, हाँ आज जापान डिस्कस किए थे, जापान का लोकेशन आपको बता दे रही हूँ, कई बार दिखाया है, ये है आपका, ये देखिए जापान, और ये है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा और पसंद भी आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल फिर हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।